वेलकम टू कृषिज डायरीज। सो आज हम जाने वाले हैं नवी मुंबई में जो है आईकेआ का स्टोर, हम आईकेआ स्टोर विजिट करने वाले हैं। तो अभी मैं ब्रिज पे हूँ, दिस इज वर्ली बांद्रा वर्ली सी लिंक, वो दिखाती हूँ पहले आपको, इट्स लुकिंग वेरी गुड एंड देन वील गो हेड टू आईकेआ नवी मुंबई। सो ये रूट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और आगे थोड़ा जाने के बाद जो ब्रिज का व्यू होगा वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। एंड अब मुंबई नगरिया में क्या क्या घूमा और कुछ कुछ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी एंड उसके बाद हम चलेंगे आईकेआ घूमने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड नाउ सी दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द ब्रिज। अब मैं आ गई थी घूमने गेटवे ऑफ इंडिया जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था और यहाँ पे कोई भी दिन हो हमेशा क्राउडेड ही होता है मुझे लगता है क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड उसके बाद फिर उसके सामने इतना ब्यूटीफुल ताज होटल एंड ओबरे होटल, तो इनका व्यू भी आप एंजॉय कर लो। ये जगह बहुत ही सही लगता है और यहाँ पे आते हो, अगर मुंबई आते हो तो एक बार ये जगह तो ऑफ कोर्स विजिट करनी चाहिए एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया तो कभी नहीं मिस करना चाहिए। तो आई प्रेफर कि मैं कोई भी जगह जाऊँ उसके जो भी फेमस चीज़ें हैं, फेमस प्लेसेस हैं, उनको तो एक तो कुछ तो विजिट करूँ। एंड नाउ वी आर हेडिंग टू शाहरुख होम, दैट इज मन्नत। ये मैं दूर से तो देखा था बट पहली बार उसको क्रॉस करके जा रही हूँ। होप सो अगर शाहरुख दिखे तो फिर तो बस सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो लेट्स सी इफ वी गेट टू वॉच हिम और एल्स मन्नत देख के आ जाएंगे। देखते हैं कौन सी मन्नत आज पूरी होती है। लेट्स गो। सो फाइनली वी आर एट मन्नत और यहाँ पे आने के बाद सच में बहुत बहुत खुशी हुई क्योंकि रियल लाइफ में हम में से बहुत लोगों ने शाहरुख को तो नहीं देखा होगा। तो इस थॉट की शाहरुख खान के घर के बाहर से जाते हैं और अगर किस्मत अच्छी हुई तो शायद शाहरुख खान दिख भी जाए। सो आई वेंट देयर और जाने के बाद दो चीज़ें हुई, एक तो बहुत खुशी हुई और एक बहुत बुरा भी लगा क्योंकि जैसे ही मैं गई अनसी, ये वो जगह है वेन वेयर शाहरुख कम्स एंड वेव्स, तो यहाँ से वो सबसे मिलते हैं, हाई बोलते हैं, सो दिस इज़ द प्लेस। तो उसके सामने खड़े थे और यहाँ पे जब मैं बात कर रही थी तो पता चला उसी दिन कुछ घंटों के पहले ही शाहरुख वहाँ पे अपने बालकनी में आए थे और सबको हाय बोला था। एंड आई वाज लाइक शिट, काश मुझे पता होता कौन से टाइम पे आने वाला है तो मैं 2-3 घंटा पहले आ जाती, बट इट वाज सो क्लोज टू मिस, तो बहुत बुरा लगा। एंड फिर भी थोड़ा टाइम और वेट किया तो फिर वहाँ पर जो थे एक गार्ड अंकल थे तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा आज नहीं आएंगे क्योंकि आज ही आके गए हैं। सो या ठीक है, तो वी केम बैक, वी क्लिक्ड अ गुड फोटोज फॉर श्योर देयर एंड यस इट इज डेफिनेटली अ गुड मेमोरी। एंड नेक्स्ट लेट्स हेड टुवर्ड्स आईकेआ। अब हम चलते हैं आईकेआ की ओर। सो आईकेआ का एंट्रेंस हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये आईकेआ का जो स्टोर है एंड यहाँ पे हर तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। स्टार्टिंग विथ लिविंग रूम इंस्पिरेशंस, सो मैंने क्या किया है टू मेक इट ईजी एंड मोर कन्वीनियंट फॉर यू ऑल, मैंने इस हर चीज़ को एक रूम कैटेगरी इंस्पिरेशन में डिवाइड कर दिया है ताकि आप जैसे ही देखो आपको
आइडिया हो जाए कि ये कौन से रूम में लगा सकते हैं। ऑफ़ कोर्स जो लिविंग रूम वाले हैं डेकोरेटिव्स जो है वो कुछ कुछ आप बेडरूम में भी सोच सकते हो लगाने के लिए, बट येस रूम के हिसाब से मैंने सारे इंस्पिरेशंस जो है वो डिवाइड करके शेयर किया है इस वीडियो में। एंड आई एम श्योर ये वीडियो में आपको अपने घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत बहुत सारे आइडियाज़ और इंस्पिरेशंस मिलने वाले हैं। सो दिस इज़ अ ह्यूज एंड ब्यूटिफुल हॉल। यहाँ पे जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एक शॉप में जा रहे हो और वहाँ से लेके आ रहे हो, पूरा एक्चुअली आपके घर में कैसे दिखेगा उस तरह से इन्होंने डेकोरेट करके रखा हुआ है, ताकि आप शॉप भी कर सको और आइडिया भी लग सके कि कैसे डेकोरेट करना है। ये जो वाटरिंग कैन है ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा और बहुत पसंद आया था। एंड सबके जो भी प्राइजेस हैं वो यहाँ पे मेंशन है, जो भी होगा मैं यहाँ पे आपको दिखाती जाऊँगी। एंड हियर्स मी टू से हाई टू यू ऑल। चलो मूविंग अहेड विद फर्दर शॉपिंग। सो ये है सोफ़ा एंड फर्नीचर सेक्शन। यहाँ पे हर तरह के फर्नीचर अवेलेबल थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 सीटर्स, 3 सीटर्स, काउच फर्नीचर, सोफ़ा कम बेड्स, तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। एंड यहाँ पे जो सोफ़ा थ्रोज एंड कुशन कवर्स हैं दोज आर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल एंड अफोर्डेबल। सोफ़ा थ्रोज़ अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे इसके बहुत सारे कलेक्शंस हैं, एंड न्यूड और न्यूट्रल कलर्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देन दिस, ये जो शेल्फ्स हैं पीछे, इसको आप हॉल में भी लगा सकते हो एंड इवन इन द बेडरूम, बट या नॉर्मली हॉल में ये बहुत ज़्यादा लगेगा। इसमें आप फोटोज़ वगैरह भी डेकोरेट कर सकते हो, एंड दीज ग्लासेस एंड एवरीथिंग आर वेरी गुड। एंड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जो फ्लावर वास और जो फ्लावर्स थे। सी दिस इज़ वेरी क्लासी, वेरी एलिगेंट एंड ब्यूटिफुल। अगर बच्चे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेरामिक का है तो अगर गिर गया तो टूट सकता है। एंड देन इट इज़ द फ्लोरल पार्ट। ये फ्लावर्स बहुत ज़्यादा रिच लुकिंग और एलिगेंट थे। सो नेक्स्ट लेट्स गो हेड टू बालकनी इंस्पिरेशंस। See this balcony setup completely, starting from the floor to ये table, chair और ये जो पत्ते वगैरह सब लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहे थे। एंड पूरा ऊपर से नीचे तक उन्होंने ऐसा सजाया था जैसे आपको फील होगी बालकनी हो तो ऐसा हो, ऐसी फीलिंग आ जाए, वैसा डेकोरेशन पूरा किया हुआ था। एंड येस आई रियली रियली एडमायर्ड एंड लव दिस लुक। नेक्स्ट बालकनी का जो लुक था वो भी बहुत अच्छा किया है, उसके फोटोज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे उन्होंने बालकनी का सिर्फ लुक ही नहीं दिया, एक पूरा विंडो का वॉलपेपर दिया है, ताकि वहाँ पे बैठ के आपको पूरा ये फील आ सके कि बालकनी में बैठ के कैसे लगता है। सो नेक्स्ट लेट्स मूव एट टू डाइनिंग स्पेस इंस्पिरेशंस। यहाँ पे देखो इन्होंने कैसे क्या डाइनिंग टेबल दिया है, और अगर आपका विंडो के पास है तो इस तरह के पर्दे वगैरह आप लगा सकते हो। बट बेस्ट थिंग इज़ ये जो विंडो है ये रियल नहीं है, और यहाँ का जो व्यू है ये भी रियल नहीं है, ये एक टीवी स्क्रीन जैसा है, कुछ से एक लाइट जैसा है जहाँ से कि ऐसा व्यू आ रहा है बस। बट वॉट अ क्रिएटिविटी एंड थॉटफुल थिंग टू शोकेस। नेक्स्ट ये डाइनिंग टेबल सेटअप, एंड सी यहाँ पे सब पे प्लेट और रोटी रखी हुई थी, बट ये रियल नहीं है, ये जस्ट पेपर्स है जो कि स्टिक्ड है, तो बहुत अच्छा लगा और क्रिएटिविटी भी बहुत सही थी। एंड ये डाइनिंग टेबल स्पेस सेटअप भी बहुत क्लासी लग रहा था। वीडियो और एफर्ट्स पसंद आए हो तो इसको एक लाइक कर देना। नेक्स्ट दिस वॉल इज डेफिनेटली वेरी ब्यूटीफुल। इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, डाइनिंग स्पेस के पास हो, एंट्रेंस के पास हो, मुझे ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है और ये मैं कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ करूँगी। एंड सी दिस क्यूटेस्ट लैम्प। ये जो लैम्प है ये बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसे बचपन में होता था ना लालटेन बोलते हैं, तो वो देखो ये इसका नॉब भी अगर मैं स्लो करती हूँ तो ये लाइट उसका कम हो जाता है, और बढ़ाती हूँ तो पूरा हाई हो जाता है। सो आई रियली रियली लव्ड इट। दिस वॉज फॉर अराउंड 1790 समथिंग। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा एलिगेंट दिखे और क्लासी दिखे, देन येस IKEA इज़ द बेस्ट स्पेस फॉर यू।
कुछ फ्लावर पॉट्स थे जो कि गोल्डन कलर्स में ऐसे हैं, एंड सी इफ़ यू पुट द नॉर्मल फ्लावर पॉट इनटू इट, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। सो ये मैं ख़रीद के लाई हूँ, ये मैं ऑफकोर्स घर पे डेकोरेट करने वाली हूँ इसी तरह से। तो जो ब्लैक है मैं उसको गोल्डन में रखने वाली हूँ। नेक्स्ट मूविंग टू द किचन इंस्पिरेशन, सी ये वाला जो है ये पूरा उन्होंने सेटअप कर दिया है किचन का स्पेस, एंड यहाँ पे है जब आप बर्तन धोते हो तो आप प्लेट्स रख सकते हो, तो एक प्लेट ऑर्गेनाइज़र है यहाँ पे, यू कैन यूज़ इट आफ्टर वॉशिंग योर प्लेट्स या फिर इवन टू स्टोर द प्लेट्स। एंड नेक्स्ट ये जो कबर्ड स्पेस है दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, पूरा ऊपर से नीचे तक का उन्होंने कबर्ड स्पेस दिया है, एंड उस हिसाब से सारे बॉक्सेस रैक सब अंदर रख दिए हैं, सो दैट यू कैन गेट ए आइडिया कि किस में पल्सेस रख सकते हैं, दाल रख सकते हैं उस तरह से। हियर कम्स अ थर्ड डाइनिंग टेबल इंस्पिरेशन विद दीज ब्यूटिफुल क्रॉकरीज जो कि उनके पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट कम्स द स्टडी एरिया इंस्पिरेशन, सो हियर कम्स इंस्पिरेशन नंबर वन। अगर आपका कॉर्नर प्लेस है और वहाँ पे आपको एक बढ़िया सा टेबल स्टडी टेबल सेटअप करना है पूरा कॉर्नर, दिस इज हाउ दे डिड इट, एंड यहाँ पे पूरा वाइट बोर्ड और स्क्रीन ऐसे आप सेटअप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट सी दिस वन, ये तो आपने मेरे आइकिया हॉल में देखा होगा ना, मैंने इस तरह का एक विंडो के लिए लाया था जो कि अभी भी मेरे घर पे मैंने लगाया हुआ है, एंड ये स्टडी टेबल के पास बहुत ही ज़्यादा क्लासी दिखता है। नेक्स्ट कम्स दिस ब्यूटीफुल पॉप ऑफ कलर्स स्टडी टेबल जिसमें कि इन्होंने हर तरह का आइडिया यूज़ किया है। कुछ इस तरह के लैंप्स हैं जो कि बहुत लाइट वेट हैं, कुछ भी इनका वेट नहीं है, एंड सी ये स्टडी टेबल के पास इस तरह के शेल्फ्स दिए हैं जो कि पुश मेथड से ओपन होते हैं, इनको बस पुश करो और ओपन हो जाएंगे, एंड सी क्या क्रिएटिविटी है, हर चीज़ पे उन्होंने नाम लिखा है कि यहाँ पे रंगोली रहेंगी, यहाँ पे रफ पेपर रहेंगे, यहाँ पे क्लिप्स रख सकते हो, मतलब एक बच्चा पूरा सोच सकता है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। एंड देन टॉप शेल्फ्स भी थे इसी तरह से। ये बड़ों के लिए भी हो सकता है, गर्ल्स वुड ऑल्सो लव इट, एंड सी साइड में पूरे बॉक्सेस जिसमें कि हर चीज़ का नाम के साथ मेंशन है कि क्या रख सकते हैं, एंड ये ब्यूटीफुल लैम्प जो स्पेस को और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रहा था। नेक्स्ट किड स्पेस डेकोरेशन, एंड ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट वन, स्टार्टिंग विद दिस ब्यूटिफुल चेयर्स, ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, दिस इज़ द मोस्ट क्यूटेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू विटनेस अहेड इन दिस वीडियो। सो द बेस्ट थिंग दे डेड की बच्चों को कलर्स बहुत पसंद होता है, एंड ट्रस्ट में अगर ये कॉर्नर में आप कोई बच्चे को लेके गए तो बच्चा खाली हाथ तो कभी नहीं आ सकता, एंड इवन यू वॉन्ट लाइक टू कम एम्प्टी हैंडेड, ये इतना ब्यूटिफुल है। सो ये कुछ टेबल्स थे, टेबल्स के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे जो कि बच्चों के टेबल्स चेयर हर कलर में अवेलेबल। नाउ सी पूरा सेटअप, ठीक है, अगर आप स्टडीज सेटअप ऐसा करते हो तो कर सकते हो, बंक बेड ऑप्शंस बहुत सारे थे, एंड देन कम्स थीम बेस्ड रूम्स, एंड सी ये बेबी शार्क रूम ऐसे एंटर होगा वो रूम में, लाइट्स वगैरह भी सब ऐसे एनिमल थीम है जो कि वाटर बेस्ड एनिमल हो, सब टर्टल्स वगैरह उस तरह से दिया है, एंड यहाँ से जो होल भी है ना, जैसे कि कोई शिप में जा रहे हो, बोट में हो, उस तरह से वहाँ से बाहर के लोग भी दिख रहे हैं जो कि वॉक कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा वेल थॉट एंड डिज़ाइंड है। चेयर टेबल भी सब मैच कर रहे हैं, एंड ऊपर भी सी द वॉल हैंगिंग्स आर लाइक जैसे जेलीफिश होते हैं, सी एनिमल्स होते हैं, उस तरह से ही ये सारा डेकोरेटेड है। इवन द लॉन्ड्री बास्केट इज ऑल्सो मैचिंग, सो जस्ट थिंक ऑफ द क्रिएटिविटी लेवल दे हैव ड्रॉप्ड इन टू मेक दिस। देन कम्स ए गर्ल्स का रूम, तो वो हो गया बॉयज़ के लिए रूम इंस्पिरेशन, नाउ इट्स अ गर्ल्स रूम इंस्पिरेशन, पिंक एंड ग्रे का पूरा बाबी और प्रिंसेस वाइब आ रहा है यहाँ से।
अ ब्लैक बोर्ड एंड ये क्लाउड शेप के जो लाइट्स हैं दैट आई लव्ड देम अ लॉट. एंटरिंग इनटू दिस ये थोड़ा जंगल और आई कुड से प्लांट बेस्ड उस तरह से आ रहा था थीम इसका. एंड सी जो बंक बेड हमने देखा था वो यहाँ पे इस तरह से यूज हुआ है. सो ग्रीन के हिसाब से इन्होंने लीव्स वगैरह सब किए हुए हैं. ये एक स्टडी स्पेस भी हो गया. तो एक स्मॉल स्पेस में इन्होंने कैसे पूरा डेकोरेट कर दिया ये. सो ये यहाँ से जरूर सीख सकते हैं. यहाँ पे भी कबर्ड है वो भी बहुत मिनिमम साइज का है. उसके अंदर भी कैसे हम शेल्फ्स वगैरह बिना बनाए हम ऐसे हैंगिंग्स रख सकते हैं. देन कम्स बेडरूम डेकोर इंस्पिरेशंस. सो मोस्टली जो कबर्ड्स एंड ऑल होता है, सी दिस इज समथिंग आई लाइक इट. ये सेंसर वाला है, जैसे ही आप डोर ओपन करते हो इसका जो लाइट है वो ऑन हो जाता है. And drawers and everything are very well designed. And IKEA की इतनी सारी चीजों में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया वो मुझे कॉमेंट में लिख के जरूर बताना. Then comes ये ड्रेसिंग टेबल का स्पेस एंड ये बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था. I really really liked it. तो ये जो लाइट्स भी हैं और इस तरह से अगर आप मिरर के पास लगाते हो तो वो ऑफकोर्स थोड़ा और एक से रिच लुक देता है. तो बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला स्पेस. आई लाइक्ड इट अ लॉट. देन कम्स ये बेडरूम वाला स्पेस जो कि अगर सिंगल और सोफा कम बेड रखा हुआ है ताकि आप स्मॉल स्पेस में भी ज़्यादा कुछ एकोमोडेट कर सकते हो. एंड सी दिस ब्यूटिफुल वॉल हुक्स. तो जैसे कुछ टांगने के लिए हम एक नॉर्मल यू शेप का हुक लगा देते हैं, उसके बदले ये चेयर्स के ऊपर आप जो चाहो हैंग कर सकते हो एंड ये बहुत ब्यूटिफुल लगता है. देन कम्स ये स्पेस जहाँ पर कि बहुत सारे ड्रॉज एंड शेल्फ्स रखे हुए थे. जो भी आपके रूम्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट होता है आप उस हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो. एंड दिस मैजिकल लाइट जो कि गेमर्स वगैरह होंगे ना या फिर जो थोड़ा साइंस इस पे, इनको ये लाइट बहुत पसंद आएगा. सी ऐसे खींचो तो ऐसे ओपन होता है एंड देन वंस यू पुल इट ये ऑफ हो जाता है. सो दैट्स वेरी ब्यूटिफुल. सो अब इतना घूमने के और शॉपिंग करने के बाद अब थोड़ा पेट पूजा भी कर लेते हैं. अभी ये भी यूनिक था, यू विल हैव टू टेक अ ट्रॉली और फिर आपको ट्रेज लेना है और जैसे हम शॉपिंग करते हैं ना वैसे आपको खाना उठाते लेके जाना है. सबके नीचे बस प्राइस लिखा होगा, यू विल हैव टू पिक इट. एंड सारा शॉपिंग करने के बाद जैसे हम पे करते हैं तो हमें भी काउंटर पर जाके पूरा फूड का पे करना पड़ेगा. एंड दिस वॉज माई फूड दैट आई ब्रॉट फ्रॉम IKEA. And then, yeah, with this, it was a great, great experience traveling in Mumbai and also shopping at IKEA. So, I really liked it. I'm sure ये video देख के आपको कुछ ना कुछ inspiration तो ज़रूर मिला होगा अपने घर को decorate करने के लिए. I hope ये मुंबई के सारी चीज़ें आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ये वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी IKEA कैसा है और मुंबई का जो भी है वो सारा कुछ देख सकें. See you soon in the next video. Till then, take care, stay safe. Bye bye.